इस बार क्रिसमस तो होम टाउन में ही करूं। I love decorating मुझे मम्मा का ज्यादा ध्यान रखना पड़ता, देखिए बच्चा सो रहा है तो क्रिसमस ट्री के पास के से जा गिफ्ट रख दिया ताकि जब वो सुबह उठे तो यू नो सरप्राइज मिले। पूरी रात में जगके कैसे बैठी हुई थी, क्रिसमस like, to like, uh, अच्छे से I no मेरे पे क्या होने वाला मेरा वाला अब्दुल अलग है वो अलग अलग प्रकार से मारता है कभी डायरेक्ट मर्डर करता है तो कभी इनडायरेक्ट मर्डर करता है कभी डायरेक्ट लव जिहाद करता है तो कभी इनडायरेक्ट लव जिहाद करता है डायरेक्ट लव जिहाद के अंदर वो अपनी आइडेंटिटी छुपाता है वो अपना टोपी वाला चेहरा छुपाता है अपने हाथ में कलावा पहनता है माथे पर तिलक लगाता है अपना मजहब पहचान छुपाता है और जैसे ही तुमको पता चला तो वैसे ही फ्रिज में पैंतीस टुकड़े करके सजा कर महीनों तक लाश सड़ाता है वो तुम्हारा वाला अब्दुल डायरेक्ट लव जिहाद करता है और दूसरा वाला अब्दुल ये इनडायरेक्टली करता है ये ना तो अपना नाम छुपाता है ना ही अपनी आइडेंटिटी आपको छुपा के बताता है वो सीधे आता है आपसे प्यार मोहब्बत का नाटक करता है और आपको प्रेग्नेंट करने के बाद जब आप शादी की बात करो उसके बाद आपको विवश कर दिया जाता है कि आप स्वयं अपनी जान ले लो ताकि उसका नाम ना आए और फिर बाद में मीडिया तो है ही बताने के लिए कि यह सभी के सभी आत्महत्या है इसमें लव जिहाद का कोई एंगल ही नहीं लेकिन हम आपको बताएंगे कि एक्चुअल में होता क्या है ये लव जिहाद नमस्कार साथियों जय सनातन स्वागत है आप आपसे अपने यूट्यूब चैनल आज तो जहाँ थॉट्स के अंदर जहां बात करते हैं सत्य सनातन की और हमारे हिंदुत्व इतिहास की और आज हम बात करने वाले हैं लव जिहाद के इस आने वाले नए केस के बारे में चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं हमारे अली तो अभी आए नहीं उनका कॉल टाइम लेट है तो नहीं तो मैं हमेशा सबसे पहले आके शेजान को मिलती हूँ सबसे पहले जो रूम में आके काम होता है तो पहले मैं गाड़ी में सबसे पहले शब्द सुनती आती हूँ you know, चार दिनों से आप लोगों ने टीवी पर यही बात सुनी होगी कि तुनिशा शर्मा ने आत्महत्या की है लेकिन कोई इस बात को बताने का प्रयास नहीं कर रहा कि तुनिशा शर्मा ने आत्महत्या क्यों की है तुनिशा शर्मा और शेजान मोहम्मद खान एक्चुअल में इनका रिलेशनशिप था कैसा अब इनका पर्सनल रिलेशनशिप है इसके अंदर खोद खोद कर मुझे निकाल

मैं सबको आप सब, सब मीडिया वालों को ये बताना चाहती हूँ कि शिजान ने टनिषा को धोखा दिया उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया शादी का वादा करके फिर उसने तनीशा से ब्रेकअप किया और उसका पहले किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट थी उसके बावजूद भी टनिषा को उसने इन्वॉल्व रखा अपने साथ तीन चार महीने उसको यूज किया बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि इसको सजा मिलनी चाहिए शिजान को नहीं छोड़ना मेरा बच्चा गया है बस बाकी मीडिया बहुत कॉपरेट कर रही है मैं से कर, करती हूं, मीडिया का अभी आप लोगों ने जिनको सुना है ना वो टुनिशा शर्मा की माँ है मुझे टुनिशा शर्मा के लिए ज्यादा सिंपति नहीं है या यू कह लीजिए बिल्कुल भी नहीं है मुझे दुख इस बात का है कि इस मां के साथ अब कोई नहीं है क्योंकि टुनिशा शर्मा के पिता पहले ही एक्सपायर हो चुके हैं वो अपने पिता को काफी ज्यादा मिस करती थी अब आप लोग कह रहे होंगे कि टुनिशा शर्मा के लिए आपके मन में सिंपति होगी मेरे मन में नहीं है क्यों नहीं है यह भी बता देता हूं आप लोगों ने सम्राट अशोक सीरियल अवश्य देखा होगा जब आप लोग छोटे थे हम लोग छोटे थे तब से हम लोग देखते आ रहे हैं उसके अंदर आप लोगों ने टुनिशा शर्मा को अवश्य देखा होगा मैं भी उनको तब से देखता आ रहा हूं बाद में इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर रहा था लेकिन फिर मैंने इस फोटो को देखा गणपति के सामने ये शिजान मोहम्मद खान और ये हमारी टनिशा शर्मा जो कि अब नहीं रही बुरखा पहने हुए मैंने तभी मन में सोच लिया था कि भगवान ना करे कि इसके साथ लव जिहाद हो जाए वही हुआ आज टुनिशा शर्मा आत्महत्या आत्महत्या करके जा चुकी है जब कोई व्यक्ति करता है तो आत्महत्या के पीछे केवल वो व्यक्ति नहीं होता जो अपने जीवन को समाप्त कर देता है बल्कि वो व्यक्ति भी होता है जो उसे ऐसा करने पर विवश कर देता है सुशांत तो सिंह राजपूत ने आत्महत्या की ये बात तो पूरी दुनिया जानती है लेकिन आत्महत्या क्यों की

उससे पहले भी या उसके साथ बहुत से लड़कियों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में भी है अब आप लोग को अगर पता नहीं है तो आप लोग को पुष्टि करता हुए बताता हूं कि एडवोकेट आशुतोष दुबे ने भी कुछ ट्वीट किए हैं जिसमें इस बात की पुष्टि की है कि शेजान एक्स गर्लफ्रेंड्स ने बात कहते हुए कहा है कि शेजान मोहम्मद खान 10 से 12 लड़कियों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में था और यह बात पुष्टि है या नहीं है मुझे नहीं पता लेकिन फिर भी आप लोग को पता होना आवश्यक है कि टुनिशा शर्मा जो कि आप स्वर्गवासी हो चुकी है वो प्रेग्नेंट थी और उसके बाद तुनिशा शर्मा ने शेजान मोहम्मद खान को शादी करने के लिए कहा और जाहिर सी बात है कि मना कर दिया गया और उसके बाद तुनिशा शर्मा ने अपना जीवन समाप्त किया या कर दिया गया यह बात क्वेश्चन मार्क के साथ खड़ा है जिहाद था या नहीं टूनिशा शर्मा लव जिहाद में फंसी या नहीं इस बात पर डिबेट करने से अच्छा लव जिहाद होता कैसे हैं इसके क्या प्रकार होते हैं किस प्रकार से लड़कियों को फसाया जाता है आपके गर्लफ्रेंड्स होकर भी किसी को शादी के लिए प्रॉमिस करने के बाद उसे प्रेग्नेंट करने का और फिर शादी से इनकार करके उसे इतना विवश कर दो कि वो आत्महत्या कर ले अब इसके अंदर पढ़ी लिखी लड़कियां आती हैं जो कि टुनिशा शर्मा थी टुनिशा शर्मा के लिए मेरे मन में थोड़ा सा संपत्ति नहीं है मैंने पहले भी कहा अब भी कह रहा हूं और इसके अंदर उनकी मां की भी गलती है ही क्योंकि जब बेटी पहली बार बुरखा पहनती है तो उसी समय आपको सचेत हो जाना चाहिए कि आपकी बेटी का हाल कभी ना कभी श्रद्धा के जैसा होगा कभी ना कभी टुनिशा के जैसा होगा इसी के विरोध में महाराष्ट्र में अब तक 38 जगहों पर हिंदू जन आक्रोश का मोर्चा का नियोजन किया गया इसके अंदर हम लोगों ने जितना हो सके उतने केसेस लव जिहाद के आप लोगों के सामने लाने का प्रयास किया लोगों ने हमें सुना और आज सिख लड़कियां क्रिश्चियन लड़कियां हिंदू लड़कियां और जैन लड़कियां जो लव जिहाद में फंसती है उनका चेहरा सामने आ रहा है वो समझ रही है चीजों को को लेकिन जो लोग 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 नहीं जानते हैं आप लोग को बता दो कि ये सारे के सारे के आपके लिए उनके लिए उनके ही है है तो शर्मा हिंदू या सिख है या जैन है ये बात ढूंढने के बजाय वो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए काफिर है इस बात को ढूंढनी और इनके मन के अंदर या इनके जीवन के अंदर केवल और केवल हैवानियत भरी होती है ये बात आप लोग भी समझ सकते हो क्योंकि तुनिशा शर्मा आत्महत्या

तुनिशा शर्मा जिंदा होती ये बात लिख कर ले लीजिए अगले वीडियो के अंदर मिलता हूं सनातनियों तब तक के लिए जय सनातन